हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है 26 तारीख, अभी बज गई है सुबह की 6:30 और मम्मी जी को भी अभी ड्यूटी जाना है, तो मम्मी जी भी तैयार हो रही है। डैडी को जाना नहीं है ड्यूटी क्योंकि आज सैटरडे है, तो वीकेंड्स ऑफ रहते हैं डैडी के। तो मैंने और जतिन ने भी आज साइकिलिंग के लिए आज वीकेंड ऑफ ही रखा है। तो मम्मी ने भी ब्रेकफास्ट बना दिया है, आज मम्मी ने पोहे बनाए हैं। तो फिलहाल तो करता हूँ ब्रेकफास्ट। सो गाइस, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी मैं और डैडी जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए। तो वो सब्जी वाले भैया, उनको कॉल कर दिया था तो रहन दो फिर। तो उन्होंने बोला कि थोड़ी देर में आ जाना, तो अभी फिलहाल मैं और डैडी जाते हैं सब्जी लेने के लिए। सो गाइस, सब्जियां लेकर आ गए हैं हम, थोड़े बहुत फ्रूट्स और सब्जियां लेकर आए हैं। चेरी लाया, तगड़ी है ना, ये दोनों ने अंकल ने रेडी सारी मिक्स कर दी यार, इसमें तो निकालनी मुश्किल हो जाए। प्याज टमाटर, प्याज आलू और गैस, बस ये लेकर आए हैं। जामुन, आम, पालक, जामुन क्यों लिया है यार? क्यों जामुन नहीं लाने थे क्या? अभी रेडी आ रहे हैं, उनके ये अलग अलग थैलियों में डलवा लाते हैं ना, तो अपन को अलग अलग नहीं करनी पड़ती है। फिर दो मिल क्या है ये मेरे को, ये भी अलग अलग करने पड़ रहे हैं। आलू बुखारे, आलू बुखारे क्या है ये? आलू बुखारे हैं और जामुन नहीं, वो बड़े थे यार। चीजें बढ़िया बताता हूँ, चीजें बढ़िया खाओ, दुकान से खाने में क्या फर्क है? सही बात है। दो दिन क्या, पूरा सप्ताह हो रहा है जाते हुए, क्यों रेडी थोड़ा रेस्ट चाहिए साइकिल चलाने के लिए? चला पंखा चला दे, पंखा चलाना है। कौन कहता कि उसकी दूरी दा सीधी। तो गाइस, डैडी जी ने ये अलग अलग कर दी है सारी। प्याज डैडी वहीं पर ही निकाल दिए क्या? प्याज वहीं निकाल दिए हैं। अरबी, आलू और इसको क्या है, नाम ही भूल गया मैं, नींबू। और डैडी चेरी भी लेकर आए हैं, ओरिजिनल चेरी है, तगड़ा सा अनार जैसा स्वाद है चेरी का, ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे कहना क्या चाहते हो? सो गाइस, अभी बज रही है दोपहर की 1:15 और मम्मी जी भी घर पे आ गई है। हाँ फिर आज तो कैसा रहा फिर? ठीक रहा, बस मस्त एकदम सही है यार। और बस खाना खुना खाएंगे आप, बनाओगे तो आप? आज चेरी भी लेकर आए हैं। कौन सी चेरी? असली वाली चेरी। हाँ बहुत महंगी थी पर ले आए फिर हम। सब्जियाँ भी ले आए हैं और चेरी, फ्रूट में तो आम लेके आए हैं, आड़ू और जामुन, बस यही लेके आए हैं। फोन चार्ज पे लगाना बहुत जरूरी है ना? हाँ वही आलू बुखारा, आड़ू एक ही बात है। आलू बुखारा अलग होता है, आड़ू अलग होता है। चलो कोई बात नहीं। जब बज रही है दोपहर की 1:45 और मम्मी जी घर पे आ गई थी 1:15 करीब, तो मम्मी जी ने खाना बना दिया है। मैं तो बस अभी रिकॉर्डिंग कर ही रहा था। तो आज मैंने क्या किया था, तो ये वॉशिंग मशीन है, इसके ऊपर ग्रीन वाला पर्दा लगा दिया और फिर उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग करी थी मैंने। तो अब देखते हैं एडिट करने पर भी भाई क्रोमा की है वो कैसा यूज़ आता है या नहीं आता है उसका। तो फिलहाल तो मैं खाना खाऊंगा। सुबह अभी बज रही है 6:00 और मैं थोड़ी देर सो गया था 4:30 करीब, तो अभी बस उठा ही हूँ। 6 बज रही है अभी, मम्मी जी यहाँ कपड़े धोने लग रही है अभी। आज क्या जज की कपड़े धोने की आपको? आज सुबह बहुत कम टाइम होता है, एक संडे मिलता है। हाँ अब तो कुछ सोच क्या क्या काम करे बंदा। कुछ मत करो, कपड़े तो धोऊंगी फिर। हाँ सही बात, कल धुल जाएंगे। हाँ कल धोऊंगी, सही है। गर्मी इतनी हो रही है, गर्मी इतनी हो रही है, पौधे सारे सूख गए। और एक ये सूख गया गमले का। हाँ ये सूख गया और 3-4 देख वो भी सूख गए, जमा ही सूख गया ना। ये सूख रहे सारे यार, क्या हालत हो गई है ना, कितनी ज्यादा तेज गर्मी पड़ रही है। ये देखिए क्या हो गया इनका, और जबकि ये ना पानी दिया हुआ है। इधर वाले तो ठीक है, इनमें तो अभी तक कुछ लगाया ही नहीं, अभी लगाएंगे। बाकी तो ठीक है ये वाले, ये सारे सही है। नीम भी बढ़िया हो गए, डैडी ने लगाए थे वो वाले। लेकिन यार ये बहुत ज्यादा है, मेरे को तो इसका बहुत दुख हो रहा है। ये किस चीज का था? ये पुदीना था क्या? ये नहीं यार, सही नहीं हुआ, इतनी तेज गर्मी हो रही है ना। अभी देखो बाहर आए हैं और पसीना, कितनी ज्यादा पसीना आने लग गया।
पता नहीं कैसे मम्मी खड़े हो, कपड़े और धो रही है यहाँ। गर्मी नहीं लग रही क्या? काम करते हैं, कोई गर्मी नहीं लगती ऐसे, कोई गर्मी नहीं लगती। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। गर्मी बहुत ज्यादा है गाइस, पौधे सूख रहे हैं, पानी दिया हुआ होता है फिर भी सूख जाते हैं। और ये ऊपर ये हरे वाले लगा रखे हैं ताकि धूप ना आए, उसके बावजूद भी अब सूख रहे हैं, तो अब क्या कर सकते हैं। सो गाइस अभी बज रहे हैं 5:30 और मेरी फिजिक्स की क्लास है वो भी चालू हो गई है, तो अभी तो सर पढ़ा रहे हैं। आज लेट ही चालू करी सर ने क्लास, वैसे तो 4 बजे का टाइम होता है, पर आज सर ने 7:30 बजे चालू करी। वैसे कई दिन हो गए, मतलब 2-1 दिन हो गए हैं सर 7 बजे की क्लास ले रहे हैं, लेकिन आज 7:30 की क्लास स्टार्ट करी है। तो सर मैसेज कर देते हैं सर, जैसा भी टाइम होता है उस हिसाब से। तो फ़िलहाल तो लेता हूँ मैं फिजिक्स की क्लास। सो गाइस मेरी फिजिक्स की क्लास है वो अभी कंप्लीट हो चुकी है, तो ये ले आई है मम्मी। क्या चीज़ है ये? आड़ू? आड़ू नहीं, आलू बुखारे। आलू बुखारे और जामुन, आलू बुखारे और जामुन, आड़ू आड़ू जैसे ही होते हैं ये भी। सो गाइस फिलहाल तो फ्रूट्स खाते हैं, क्या कहते हैं फल स्वाद, क्या कहते हैं फलाहार करते हैं गाइस। व्रत नहीं है तो फिर फलाहार तो कर ही सकते हैं ना। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। सो गाइस अभी बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, हवा बहुत तेज चलने लगी है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो थोड़ी आंधी भी आने लग रही थी, अब आंधी तो रुक गई है, हवा चलने लगी है। तो गाइस अभी आंधी आ रही थी तो सारे जो बाहर अभी मम्मी ने कपड़े धोए थे तो वो अभी अंदर ला के वापिस से रख दिए हैं। यहाँ पे ये कंबल और वगैरह चदरें चुदरें और यहाँ पे रख दिए ये वाले चदरें, और बाकी के जो कपड़े हैं, बाकी के जो कपड़े हैं वो यहाँ पे रख दिए। तो ऐसे ही अभी गिले ही पड़े हैं कपड़े, ये वाले अभी धोए थे, ये सारे चदरें चुदरें गिली पड़ी है अभी तक। मम्मी आज खाने में क्या बना रहे हो? अच्छा मैं तो देखो खाना खाऊंगा नहीं। क्यों? अपने ये फ्रूट फ्राट खा लिया, अपने तो है नहीं जगह, नहीं है पेट में बिल्कुल भी। जगह कैसे होगी? पास्ता भी खाया? पास्ता हो रहे यार, बताना नहीं था। पास्ता थोड़ा सा तो पास्ता खाया था यार मम्मी। चल ठीक है, नहीं खाएगा तो बना दी सब। मैं नहीं खाऊंगा। और वैसे क्या सोचा है बनाने के लिए? अभी देखती हूँ क्या बनाऊंगी, लेट तो होगी खाने को, बाकी अपने तो खाएंगे नहीं, खाने को लेट होगी बनाती। ठीक। सो गाइस अभी बज रही है 9:15 और मैं अभी अभी बाहर थोड़ी देर घूमने ही आया था, मैं क्या थोड़ी देर बाहर घूम लेता हूँ गली में पैदल। जतिन से कॉल पर बात ही कर रहा था मैं कि कल साइकिलिंग पर चलेंगे, तो अभी बाहर बारिश भी आने लगी, पहले भी आ रही थी फिर रुक गई थी, तो फिर मैं बाहर चला गया था, तो अभी वापस आने लगी है मेरे बाहर आते ही, पता नहीं क्या बात होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस बारिश आने लगी है, तो ये ठीक रहता है कि बारिश आ जाती है तो मिट्टी दब जाती है, तो आंधी अगर हवा भी तेज चलती है तो मिट्टी उड़ती नहीं है, तो फिर ज़्यादा साफ सफाई भी नहीं करनी पड़ती, नहीं तो फिर मम्मी को आंधी आ जाती है तो फिर साफ़ सफाई करो वापस से, फिर कोई मतलब नहीं रहता। आज भी वो आंधी आने लगी थी पहले, तो वो कपड़े धोए हुए वापस अंदर सुखाए, वह ऐसे करके है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे। सो गाइस अभी भाई ने मैंगो शेक बनाया है, मम्मी और तो पी रहे हैं, और ये रहा मैं आपको दिखाता हूँ, आज सुंदर लग रहा है देखने में। ये हो गाइस एकदम मस्त फैंटेस्टिक बनाए, वो तो पीने के बाद पता लगेगा अब कैसे बनाए, बाकी देखने में तो एकदम ऐसे जो दुकान पे बनाते हैं ना शेक वो भी ऐसे फेल सा लग रहा है, तो पता नहीं क्या बादाम काजू किशमिश वगैरह डाली है। तो गाइस आज का व्लॉग करते हैं इसी शेक के साथ में ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक और शेयर, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, बाय।